नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार में आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। एक सब्सक्राइब का स्विच वो जरूर प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी कॉम्पिटिटिव वीडियोस भी अगर आपने देखनी है तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाया करे कि वीडियो अपलोड हुई, साक्षात आपके पास पहुंच गई। और शेयर कीजिए कि इन वीडियोज़ को, ताकि जिस किसी के लिए हेल्पफुल हो सके। एक कन्फ्यूजन दूर होती है कि दो गाड़ियों के अंदर अगर हमें डिसाइड करनी तो कौन सी गाड़ी डिसाइड करें। कन्फ्यूजन भी क्यों, ये एक छोटी सी बात है कि जैसे ही आप अपनी समय पे चेंज नहीं करेंगे, बदलाव या अपग्रेड नहीं करेंगे, तो दूसरा कंपटीटर जो है आपका, वो आपसे आगे निकल जाएगा। ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो रिसेंटली सेंट्रो लॉन्च हुई, उसके बाद टियागो एक्सेट प्लस भी साथ ही लॉन्च कर दी गई। क्या जरूरत पड़ी, उसमें थोड़े से फीचर ऐड कर दिए गए, कई सारी नई चीज़ें ऐड कर दी गई, जिससे वो थोड़ी सी और ऊपर के फीचर्स में शुमार हो गई गाड़ी एक्सेट प्लस टियागो। तो क्या ये गाड़ी वर्थ है, अब भी वर्थ बाय है, या सेंट्रो बाजी मर गई? तो चलिए दोस्तों आज इसके बारे में बात करते हैं। सेंट्रो, जैसा कि हम पहले भी काफ़ी राज करके गई इंडिया के अंदर, पहली टॉल बॉय गाड़ी थी, तो इस गाड़ी ने पहले बहुत राज किया और अब भी अच्छा परफॉर्म कर। इनके 50,000 कार्स बिक जाएंगी पूरी, उसके बाद ये थोड़ा सा प्राइस और बढ़ा देंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों को देखें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें मैनुअल है, ऑटोमेटिक है और सीएनजी की ऑप्शन भी है, जो टियागो में तो बिल्कुल नहीं है। टियागो में क्या है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, पेट्रोल है और डीजल है, जो सेंट्रो में नहीं है। हालांकि वो अंडर पावर है, पर वो एवरेज के लिए बना है। चलिए दोस्तों इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, सिर्फ पेट्रोल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी ही दोनों गाड़ियों में है और डीजल तो सेंट्रो में आती नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं इनकी लुक्स की। दोस्तों टियागो इंडिका के एक भूत कह सकते हैं, टियागो इंडिका के भूत से बाहर आई टाटा, एक टिपिकल डिजाइन लैंग्वेज से बाहर आके टियागो एक बहुत खूबसूरत बॉडी, स्माइलिंग सा फेस, ह्यूमैनिटी लाइन पेश की गई, जिसको डिजाइन को बोलते हैं इंपैक्ट डिजाइन, जिसको ये बोलते हैं, वो देखने में खूबसूरत लगती है। एक कंप्लीट छोटी गाड़ी की लुक हमें देती है गाड़ी, फ्रंट से, साइड से या रियर से देखें तो गाड़ी की कंप्लीट सी लुक हमें देती है। और अगर वहीं पे अगर हम सेंट्रो की बात करें तो सेंट्रो में ज़्यादा प्ले ना करते हुए ग्रैंड आइटन ही दूर से देखने में लगती है। हालांकि इसकी ग्रिल थोड़ी सी चेंज कर दी गई है और इसके जो फॉग लैंप की पोजीशनिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। रियर से मेरे को कंप्लीट लुक टियागो की लगी, बाकी मैं आपको छोड़ता हूँ, मैं डिज़ाइन के बारे में कभी नहीं बोलता, क्योंकि वो अपनी अपनी राय है सबकी, किसी को सेंट्रो पसंद, किसी को टियागो पसंद है, लेकिन फिर भी मैं टियागो को बेटर मानता हूँ डिज़ाइन के मामले में। अगर हम दोस्तों कागजों में अगर हम बात करें इनके इंजन की, तो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन जो टियागो के पास है वो ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि मैं टेक्निकली बात करूं तो 1086 सीसी का 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन जो सेंट्रो में है वो ज़्यादा साइलेंट है। 68 bhp की पावर जनरेट करता है 5500 rpm के ऊपर, यानी कि 99 nm की टॉप के साथ 4500 rpm पे चलता है, जो कि 14 से 18 के बीच में एवरेज हमें देता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ ड्राइविंग। और अगर दूसरी तरफ देखें तो 1199 सीसी का 3 सिलेंडर 85 PS की पावर 6000 rpm के ऊपर जनरेट करता है, यानी कि तकरीबन 12-13 PS की पावर ज़्यादा है इसके पास और 114 nm की टॉप जनरेट करता है। अगर हम देखें, पावरफुल इंजन तो है लेकिन उसमें वाइब्रेशन है थोड़ी सी 3 सिलेंडर होने के कारण। वहीं पे अगर सेंट्रो को देखें तो थोड़ा सा अंडर पावर है, लेकिन 4 सिलेंडर होने के कारण बहुत साइलेंट इंजन है। खासियतें दोस्तों मेन हम देख लेते हैं। पहली खासियत सेंट्रो की कि उसमें रियर एसी वेंट हमें दिया गया है, वो जो बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर, और सेफ्टी पैक में ABS, EBD और एक एयर बैग, ये चीज़ सेंट्रो के साथ जाती है और जिसको मैं सेंट्रो को प्लस पॉइंट देता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट आपको बेस वेरियंट से ही आपको मिल तो रहे हैं ABS, EBD, वो जो बहुत अच्छी बात है। टियागो के साथ अच्छी बात क्या है कि टियागो में मोर पावरफुल इंजन है, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी है और सबसे बड़ी बात इसके अंदर हार्मन का म्यूजिक सिस्टम आता है और जो टॉप वेरिएंट आता है उसके अंदर तो अलॉय व्हील्स भी आते हैं। बात करें आगे शुरू तो दोस्तों अगर हम बात करें अगर बेस वेरियंट की, बेस वेरियंट को दोस्तों देखें तो दोनों में ना तो कोई AC आता ना म्यूजिक सिस्टम आता है और टियागो के अंदर तो व्हील कैप भी नहीं आते। और अगर दोस्तों अगर हम इनकी डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ, विड्थ, हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें 3610 mm के करीब सेंट्रो की है, वहीं पे 3746 लेंथ, यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा, प्लस 130 कह सकते हैं हम।
टियागो के पास है। 1645 1647 को खास फर्क नहीं है, दोनों तकरीबन विड्थ में एक जैसी हैं। हाइट में हालांकि 1560 एम के साथ सेंट्रो थोड़ी बड़ी हो जाती है, जहां की टियागो 1530 एम की है। बूट स्पेस में दोस्तों बाजी मार लेती है टियागो, जहां पे सेंट्रो 235 एम पे है, टियागो क्या 242 एम का बूट स्पेस है। थोड़ी फर्क है लेकिन है। अगर हम टायर साइज की बात करें, दोनों में ही निचले मॉडल्स के अंदर R13 टायर आते हैं, बड़े सेगमेंट्स के अंदर R14 टायर दोनों के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन टियागो के अंदर हमें अलॉय व्हील भी मिल जाते हैं एग्जेड प्लस में। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्राइसेस की, तो 3,90,000 से 5,46,000 रुपए तक इसके पेट्रोल के वेरियंट्स आते हैं सेंट्रो में, जिसके अंदर स्टैंडर्ड फीचर्स में अगर बात करें तो मैनुअल, ऑटोमेटिक और CNG ये चीज़ें सारी आती हैं। टॉप वेरिएंट के अंदर हमें दो एयरबैग मिल जाते हैं, ABS-CVT बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। वहीं पे अगर हम टियागो की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी जैसे मैं बात कर रहा था, सस्पेंशन बहुत अच्छा है गाड़ी का, थोड़ी सी रूमी लगती है गाड़ी, और राइड और हैंडलिंग के मामले में इसका मुकाबला नहीं है। उधर ही अगर बात करें माइलेज की, तो माइलेज में भी टियागो बाजी मार के ले आती है। हालांकि उसके पावरफुल होने के बावजूद भी सेंट्रो कम पावरफुल है, उसकी एवरेज कम है, टियागो की एवरेज ज़्यादा है और पावरफुल भी है, लेकिन वो फोर सिलेंडर होने के कारण, इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी फोर सिलेंडर नहीं है, तब मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इस बात के ऊपर कि कोई भी गाड़ी फोर सिलेंडर नहीं आ रही, तो इसलिए ये गाड़ी थोड़ी सी स्मूथ है चलने में भी, ऑटोमेटिक भी इसका टियागो से बेटर है। कीमतों की बात करें तो डिलाइट जो सेंट्रो का बेस वेरियंट है, उसका 3,90,000 रुपये कीमत पड़ती है, और वहीं पर अगर हम बेस वेरिएंट टियागो की बात करें तो XE वेरिएंट 3,40,000 का, यानी कि 50,000 के करीब का डिफरेंस है, जिसमें कि हमें क्या क्या चीज़ें अलग मिलती हैं। 50,000 के अंदर हमें दोस्तों ABS-CVT और एक एयरबैग सेंट्रो में हमें मिल जाता है, जो कि मैं इसको फिर भी प्लस कहूँगा। बेशक 50,000 रुपये महंगा है, लेकिन फिर भी बेस वेरियंट के अंदर हमें फीचर्स चाहिए जो सेफ्टी के लिए हमारे बहुत ज़रूरी हैं, वो चाहिए। लेकिन इसके अंदर हमें पावर स्टेयरिंग मिल जाता है, एडजस्टेबल स्टेयरिंग मिल जाता है, और टिंटेड ग्लास और रेयर स्पॉइलर हमें मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें टॉप वेरिएंट्स की, तो आस्टा पेट्रोल में टॉप मॉडल है, जो 5,46,000 रुपये का है, लेकिन टियागो का XZ प्लस 5,57,000 रुपये का है। दोस्तों कसर कहीं नहीं छोड़ी। फिर वहीं पे वैल्यू फॉर मनी की अगर बात करूँ, तो टियागो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल जाती है। वो कैसे, मैं इसके सिर्फ फीचर आपको गिनाता हूँ जो सेंट्रो में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल मिरर है, अलॉय व्हील्स, टिंटेड ग्लास, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प, 175/65R14 अलॉय व्हील्स, ऑटो AC, ट्रंक लाइट, कूल्ड ग्लव बॉक्स, वेंटिलेटेड व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, फॉलोमिंग होम हेडलैम्प्स और कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोग्राम जैसी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, और आउटडोर टेम्परेचर डिस्प्ले, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और अलॉय व्हील्स। ये दोस्तों ये चीज़ें अगर गिनी, 11,000 रुपये ज़्यादा देकर हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों कन्फ्यूज़न दोस्तों क्लियर हो जाती है यहाँ पे, कि अगर तो हमें गाड़ी चाहिए लोकल सिटी ड्राइव के लिए, स्मूथ चले गाड़ी, रियर एसी वेंट हमें चाहिए, फोर सिलेंडर गाड़ी, और बाद में थोड़ी सी रीसेल वैल्यू का और बेनिफिट उठा ले, सर्विस सेंटर जिसके ज़्यादा हो, तो हम जा सकते हैं सेंट्रो के ऊपर। नहीं तो बिल्ड क्वालिटी सॉलिड चाहिए हमें, टॉप मॉडल वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, एंड्रॉयड ऑटो तो हम दोनों के अंदर आ गया है, लेकिन कैमरा टियागो के अंदर नहीं आता, कैमरा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रो के अंदर आता है। इसके अंदर पार्किंग सेंसर शुमार कर दिए गए हैं। तो दोस्तों टियागो सॉलिड बिल्ड क्वालिटी हमें चाहिए, एक ट्रस्ट चाहिए, और ज़्यादा एवरेज चाहिए हमें, बेहतर इंजन चाहिए, पावरफुल इंजन चाहिए, तो हम जा सकते हैं टियागो के ऊपर। बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टियागो के पास है, जैसे कि हारमन का सिस्टम, उसके साथ साथ इनका टच स्क्रीन सिस्टम जो एंड्रॉयड के साथ सपोर्ट करता है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, और स्टेयरिंग एडजस्टेबल है, टेल्ट हालांकि टेलीस्कोपिक नहीं है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को अगर देखें, तो स्मूथ गाड़ी चलने में अगर चाहिए तो हम सेंट्रो की तरफ जाएं, नहीं तो किसी भी एस्पेक्ट से अगर देखें तो टियागो हमें बेटर वैल्यू फॉर मनी गाड़ी दिखती है। तो दोस्तों अगर ये चीज़ आपको पसंद आई, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, ताकि सेंट्रो और टियागो के बीच की जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। इस वीडियो को इस टाइम तक देखने के लिए शुक्रिया। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक।